भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हापुड़ में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया और स्वच्छता, रक्तदान और चिकित्सा शिविर आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। उत्तर प्रदेश के मंत्री और जनपद हापुड़ के प्रभारी कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में सेवा पखवाड़ा के प्रथम दिन नगरपालिका परिषद हापुड़ के परिसर में स्वच्छता अभियान का श्री गणेश किया और सफाई कर्मियों को सुरक्षा व सफाई किट वितरित की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करके एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति दी, साथ ही स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सेवा पखवाड़ा गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रभारी मंत्री ने भाजपाइयों व अन्यों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी प्रतिवर्ष सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। आज भी उसी क्रम में मेरा हापुड़ जनपद में प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ पर आया, हमारी डीएम, हमारे विधायक, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रेखा नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारी, समाज के सब लोग, सब ने मिलकर के सप्ताह सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान चला करके लोगों को प्रेरित करने का काम किया कि गंदगी तो स्वाभाविक है लेकिन हमारे कारण से गंदगी ना हो, हम गंदगी के दोषी ना बने और जो गंदगी हम करते हैं उसका निस्तारण हम स्वयं करें और उसको करवा करके उचित स्थान और सफाई कर्मियों का सम्मान भी करें। स्वयं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब कुंभ हुआ उसके अंदर स्वच्छता के जो कर्मचारी थे उनके चरण धोकर के उनको सम्मान करने का केवल इसलिए किया ताकि जो सफाई कर्मी है वो कोई समाज के अछूते व्यक्ति नहीं है, वे भी समाज के लोग हैं, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सफाई कर्मचारी हैं तो उनका सम्मान समाज के सब लोग करें, ये संकल्प भी आज है। लगातार कार्यक्रम ये ब्लड डोनेशन कैंप भी है, रक्तदान शिविर, ये कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्तृत्व व्यक्तित्व सरकार की योजना उसको लेकर के एक प्रदर्शनी भी दीवान इंटर कॉलेज में लगी है और आदरणीय हमें मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि ये प्रदर्शनी जनपद के प्रत्येक डिग्री कॉलेज में, इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर लगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व को देख करके, उनकी कार्यशैली को देख करके उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें और आगे बढ़ने का काम कर सकें। प्रदेश मंत्री और जनपद प्रभारी कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के बनाई गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। सूबे की सरकार उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का खात्मा किया जा रहा है। प्रदेश में भयमुक्त शासन के कारण ही निवेश बढ़ा है, सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को लूट, खसौट और असुरक्षा से मुक्त कराया है। योगी सरकार हर मोर्चे पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। जनपद हापुड़ के प्रभारी कपिल देव अग्रवाल के हापुड़ पहुंचने पर भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेश तोमर, विधायक विजयपाल आरती और जिला पंचायत हापुड़ चेयरमैन रेखा नागर ने स्वागत किया।